हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है हिमांशु कालरा। आज मैं बात कर रहा हूँ क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। प्रियम्बल को प्रीफेस भी कहा जाता है, समराइजेशन ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले प्रीफेस का मतलब समझना चाहिए। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द बुक, जो कि बताता है कि ये बुक क्यों लिखी गई है और क्या लिखा गया है इस बुक के अंदर। दूसरा है समराइजेशन ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेन सिद्धांतों की समरी है ये। अब जैसे इसमें प्राइम एग्जांपल है चैप्टर 11, रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो अब क्या फेडरल गवर्नमेंट होगी या यूनिटरी होगी, ये तो प्रीएम्बल में मेंशन नहीं किया हुआ। तो देयरफॉर इट इज रॉन्ग टू ऑब्जर्व कि ये समरी है। समरी होती तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कवर होता, बट नहीं है, तो ये मेन प्रिंसिपल्स की समरी है। अब दूसरा, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द प्रीएम्बल जो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि सबसे पहले नेचर ऑफ गवर्नमेंट बताती है, कैसी गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पे लीडर लोग खुद डायरेक्टली चूज करेंगे और हेड जो होगा वो इनडायरेक्टली चूज होगा, जैसे प्रेसिडेंट, और कोई भी मोनार्क सिस्टम नहीं होगा। ये गवर्नमेंट बता रही है कैसी गवर्नमेंट होगी। प्लस ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल स्टेट बताती है, लिबर्टी मिलेगी वहाँ पे, माना जाएगा कि ये आइडल स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस फुलफिल हो गया है। अब इसमें दूसरी चीज है कि ना ये कोई सोर्स है पावर का, ना ये कोई लिमिटेशन बताता है। प्रीएम्बल ना कोई लिमिटेशन दे रहा है, ना कोई पावर दे रहा है। आप जानते हैं कि प्रीएम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके लिए हमें दो केसेस को जानना पड़ेगा। सबसे पहले री बेरूबेरी केस, 1960 का केस है और 7 जज बेंचेस। इसके अंदर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट ओनली हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज एन एम्बिग्युटी, जहां पे वर्ड्स अनक्लियर है वहां पे उसको रेफर किया जा सकता है और इसको पार्ट नहीं माना जाएगा। केशव नंदा केस, 13 जज बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन, जो कि पिछले केस में कहा ही था। बात करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। प्रीएम्बल जस्ट लाइक एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, उसको अमेंड किया जा सकता है। 368 का प्रोसीजर को यूज कर उसे अमेंड कर सकते हैं, बट अब उसमें डिलीशन नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते, क्योंकि दैट वुड वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। हमेशा अमेंडमेंट तो हो सकती है, बट दैट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे डेमोक्रेटिक आप नहीं हटा सकते, रिपब्लिक नहीं हटा सकते, सेक्युलर नहीं हटा सकते, ये सब वायलेट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कुछ आप डिलीट कर सको प्रीएम्बल के अंदर से। क्या कुछ ऐड हो सकता है? यस, 42nd अमेंडमेंट में कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये चार वर्ड्स ऐड हुए थे। तो आप ऐड जरूर कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोस्ट केसेस में 99% वो वायलेट करेगा ही करेगा बेसिक स्ट्रक्चर को। देयरफॉर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिलीट एनी वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल बाय द वर्च्यू ऑफ 368। बेसिक असेंस कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती कि मोनार्क सिस्टम ले आए, रिपब्लिक को हटा दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू, सी यू अगेन।